अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। एमएलए गणेश नाइक ने एनएमएमसी आयुक्त से दोहराई मांग, कोविड मुक्त कर्मवासी हॉस्पिटल, छात्रों को दिलाओ स्कूल फीस में रियायत। पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक गणेश नाइक ने बुधवार को एक बार फिर एनएमएमसी आयुक्त एबी मिसाल से मुलाकात की और सिडको एग्जीबिशन सेंटर में कोविड केयर सेंटर को तत्काल चालू करते हुए वासी के मनपा अस्पताल को कोविड मुक्त करने की मांग दोहराई। उन्होंने लॉकडाउन के बाद प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाए जाने का मुद्दा भी उठाया और मनपायुक्त को नागरिकों की आर्थिक हालात का हवाला देते हुए स्कूलों को विशेष निर्देश के साथ फीस कम करने की सूचना जारी करने को कहा। उन्होंने बढ़ते कोविड संक्रमण के लिए महानगर पालिका को जिम्मेदार ठहराया और आंदोलन की चेतावनी भी दी। का जो जनरल हॉस्पिटल उसको कोविड हॉस्पिटल में रूपांतर किया गया है, मानसून अभी शुरू हुआ है, इस स्थिति में और बीमारी फैल गई तो पेशेंट लोगों के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्राइवेट का उन्होंने बताया कि भाई इधर हमने सुविधा की है उधर, लेकिन लोगों को वहाँ का अनुभव अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने उनको हाईलाइट करके बोला है कि वासी, निरुल, ऐरोली ये तीनों हॉस्पिटल एक सप्ताह के अंदर यहाँ से जो कोविड के पेशेंट्स को सिडको एग्जीबिशन सेंटर में लेके जाओ और यहाँ पे लोगों को दूसरे बीमारी के लिए जो ट्रीटमेंट मिले ऐसा बंदोबस्त करो। उसके साथ में ही महानगर पालिका के कर्मचारी जो कोविड को प्रिवेंट करने में लगे हैं, वो लोगों को कोई अपने जान गई तो उनको कोई सुविधा नहीं, तो उनको बोला कि 50 लाख का जो राज्य शासन ने उनके कर्मचारी को जो एक तरह का एक अश्योरेंस दिया है, उस ढंग का एश्योरेंस यहाँ पे मिलना चाहिए। और उन्होंने बोले हम लोग जाहिर करने वाले, आप लोग भी उस टाइम में मौजूद थे। अभी उसमें बात ऐसी कि कई स्कूलों ने फी तो लो करके नोटिस पेरेंट्स को दी, लेकिन कई लोगों ने फी बढ़ा के दी। आयुक्त तो महोदय को मैंने बोला कि भाई ये फी बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं है, जो फी है वो भी स्टेजेस में लेने की बात करो और जो संस्था को पैसे की जरूरत होगी तो वो लोगों के लिए बैंकों से बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। नगण्य ब्याज पड़ेगा, लोगों के पास ये 3 महीना से कोई रोजगार नहीं है, इस स्थिति में 90% पेरेंट्स फी नहीं दे पाएंगे, 10% लोग दे पाएंगे लेकिन 90% लोगों को पैसा नहीं होगा, तो ये एक तरह के लोगों पर जुलूम होगा। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि नोटिस सबको भेज दो, तो उन्होंने कबूल किया कि नोटिस हम भेजते हैं। भाजपा विधायक गणेश नाइक की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए आयुक्त एबी मिसाल ने भरोसा दिलाया कि वासी का कोविड केयर अस्पताल 3 दिनों बाद प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि अन्य अस्पतालों में जैसे जैसे स्टाफ उपलब्ध होंगे वैसे वैसे उन्हें कोविड मुक्त किया जा सकेगा। स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाने और जबरन वसूली के सवाल पर आयुक्त ने कहा कि DPS समेत कई स्कूलों के खिलाफ शिकायत मिली थी जिसे मनपा द्वारा नोटिस भेजी गई है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कई स्कूलों ने नोटिस के बाद फीस वृद्धि का निर्णय वापस ले लिया है। कोविड के लिए हमने सिडको एग्जीबिशन सेंटर में 1182 बेड का कोविड केयर सेंटर प्लस कोविड हेल्थ सेंटर, ये फैसिलिटी वहाँ की है, उसका काम आज पूरा हुआ है। अभी 1-2 दिन में हम वहाँ एडमिशन शुरू करेंगे, जब तक तो वो पूरा सैनिटाइज, बड़ा एरिया है, पूरा सैनिटाइज करना पड़ेगा। फिर स्टाफ का एक मॉक ड्रिल, क्योंकि 1200 बेड मैनेज करना, तो वो स्टाफ का मॉक ड्रिल और वो तरीके से वो आज समझो रेडी है, हम शुरू कर सकते उसको 2-3 दिन में। तो अभी जो है वहाँ रिक्रूटमेंट हम कर रहे हैं और मैन पावर जैसे उपलब्ध होती है वैसे वहाँ हम ये सर्विसेज शुरू करेंगे। ये तीनों हॉस्पिटल में मैन पावर बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्पेशलिस्ट जरूरी है, डॉक्टर्स जरूरी है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, तो हमने रिक्रूटमेंट ऑलरेडी चल रहा है हमारा, वॉक इन इंटरव्यू से हम ले रहे हैं। तो जैसे जैसे मैन पावर उपलब्ध होगी वैसे हम वो फैसिलिटी वहाँ शुरू करते जाएंगे। स्कूल के बारे में गवर्नमेंट ने भी सर्कुलर GR इशू किया हुआ है, हमने भी ये स्कूलों को ऑलरेडी सर्कुलर इशू किया है। एक DPS स्कूल ने कुछ रेट बढ़ाए थे, वो बहुत सारे पेरेंट्स लोगों के मुझे मेल आए थे, मैसेजेस आए थे, तो हमने उनको भी आदेश दिया है और उन्होंने वो उनका रेट बढ़ाने का सर्कुलर वापस लिया है।
किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट डिनाई नहीं की जा सकती। हमने सब हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी सख्ती से कहा है, इन राइटिंग में भी दिया हुआ है। और कुछ बड़े हॉस्पिटल भी, आज जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, डीवाई पाटिल है, फोर्टिस है, रिलायंस है, ये बड़े हॉस्पिटल, यहाँ ऑलरेडी कोविड की फैसिलिटी उन्होंने की है और वो कोविड पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, और अपोलो में तो नॉन कोविड भी कर रहे हैं, कोविड भी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात है नहीं कि इसको बड़े हॉस्पिटल में ये काम नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।